इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, माली फवायद हासिल करने और मनपसंद अफराद को नवाजा गया। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के खिलाफ 100 से ज्यादा सफहात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ भी कब्जा ग्रुप की फहरिस्त में शामिल। शहरी ने घर पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त नैब को जमा करवा दी। अली इमरान ने 96H मॉडल टाउन बुलाकर गन पॉइंट पर घर अपने नाम करवाया। झूठे केस में फंसा कर जुर्माने के तौर पर 19 लाख रुपए तलब किए गए। शहरी ताहिर खान का इल्जाम। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग। एलडीए और रेवेन्यू बोर्ड ने खोखर बरादरान की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। पुलिस ने भी एलडीए और रेवेन्यू बोर्ड का तैयार करदा रिकॉर्ड मांग लिया। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में पड़ गया। जौहर टाउन में अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर की रिहायशगाह खोखर पैलेस गैर कानूनी होने का इंकशाफ। एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में बगैर मंजूरी तामीर की गई। लाहौर न्यूज ने हकायक से पर्दा उठा दिया। चीफ जस्टिस के अहकाम के बाद एलडीए की इनकशाफात पर मबनी रिपोर्ट भी तैयार। खोखर पैलेस के बिलमुकाबल सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। एलडीए का जौहर टाउन में ऑपरेशन, सैकड़ों कैनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर ब्लॉक में वाकई 1000 कैनाल अराजी, बाजाहिर नजर आने वाली झुग्गियां कीमती सरकारी अराजी पर कब्जे करने की आड़ में पहले मरहले के तौर पे लगाई जाती हैं। एलडीए बासर अफराद को झुग्गियों का किराया अदा करते हैं। मकीनों का मौकफ। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और डेप्टी मेयर वसीम कादिर की होने वाली आपसी बदमजगी का नतीजा पार्टी में एक और दरार। वसीम कादिर ने भी नून लीग को खैर आबाद कह दिया। माजरा क्या हुआ पहले हमजा शहबाज से पूछें, वो हकीकत नहीं बताएंगे तो मैं बोलूंगा, वसीम कादिर का मौकफ। हमजा शहबाज ने 40 बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में बरहम होते हुए वसीम कादिर को पानी की बोतल दे मारी थी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की फोन कॉल लीक होने का मामला। वुजरा की मुदाखलत के हवाले से हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने पर गौर। जराए का कहना है कोई भी वजीर दूसरी वजारत में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। वुजरा किसी भी वजारत से शिकायत पर मुतालिका वजीर को आगाह करेगा। आज हमें 30 साल की हुकूमत के ताने दिए जाते हैं। कुर्बानियों के जरिए मुल्क में जमहूरियत का अमल शुरू हुआ। हमने हुकूमत से कभी भी रिलीफ नहीं मांगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 दिनों में बुरी तरह नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। और फिल्म स्टार गुलाम मुहैयुद्दीन को चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड पंजाब बनाने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। इससे कबल शोएब बिन अजीज बतौर चेयरमैन अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे।